हेलो स्ट्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स पर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर सिक्स क्लास इलेवेंथ का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही थी वहाँ पे आपके नई बुक का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने थ्योरी ऑफ डिमांड इससे पहले दो पार्ट डाला था तीसरा पार्ट हम इसलिए नहीं डाल क्योंकि उससे आगे का आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कोर्स का हिस्सा नहीं है ठीक है ना और अगर अभी तक आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स की कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लीज़ जाके वहां देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी वहां जाके फॉलो कर लीजिएगा बहुत प्यार भरी रील्स सुनाता हूँ मज़ा आ जाएगा फिर आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा जहां पर आप व्हाट्सएप करके मेरे ग्रुप्स में एड हो सकते हैं डाउट्स के लिए चलिए स्टार्ट करें कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कंसेप्ट क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है सर सर इससे पहले वाले चैप्टर में हमने थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ा था

उनकी वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आ रहा है उसी को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह रहे हैं एज हैज बीन एक्सप्लेन इन द लास्ट चैप्टर डिमांड फॉर अ कम्युनिटी मेनली डिपेंड्स अपॉन इट्स ओन प्राइस इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो हमने इससे पहला वाला चैप्टर पढ़ा है थ्योरी ऑफ डिमांड वहाँ पे हमने पढ़ा था कि डिमांड का मतलब क्या होता है जो डिपेंड करती है प्राइस पर इनकम पर और रिलेटेड गुड्स के प्राइस पर थर्स बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वी मीन द एक्सटेंड टू विच द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कम्युनिटी चेंज विथ चेंज इन इट्स ओन प्राइस और इनकम और कंज्यूमर और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अब यहाँ पर क्या होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कि जो हमारी क्वांटिटी डिमांड है वो कितना चेंज होगी प्राइस के चेंज होने पर इनकम के चेंज होने पर कंज्यूमर वगैरह इसके हिसाब से इन अदर वर्ड्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रेस्पिवनेस ऑफ द क्वान्टिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड चेंज इन कंज्यूमर इनकम यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है कि जो हमारी क्वान्टिटी डिमांड है गुड्स की वो कितना चेंज हुई प्राइस के चेंज होने पर या किसी अदर गुड्स की प्राइस के चेंज होने पर या कंज्यूमर के इनकम को चेंज होने पर तो इसके हिसाब से हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो तीन है लेकिन आपको कोर्स में एक ही पढ़ना है तीन कौन कौन सी है सबसे पहला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस के चेंज होने पर डिमांड में क्या असर हो रहा है उसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन चेंज इन क्वानिटी डिमांडेड इज मेजर विद चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कम्युनिटी जिस कम्युनिटी को आप इस्तेमाल कर रहे हो वो तो भले ही आप मेडिकल से खरीद रहे हो दस रुपए की आती है लेकिन गंदी गंदी बातें नहीं करेंगे पढ़ाई करेंगे वेन चेंज इन क्वान्टिटी डिमांडेड इज मेजर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कम्योडिटी आप जिस चीज का इस्तेमाल कर रहे हो उसकी प्राइस कम होने पर उसकी डिमांड में क्या असर पड़ रहा है और भरने पर क्या असर पड़ रहा है उसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्योंकि तो यहाँ पर प्राइस का सीधा सीधा असर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है जो आप इनकम कमाते हो पैसा कमाते हो वैन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू चेंज इनकम आप जो पैसा कमा रहे हो वो कम हो रहा है तो डिमांड क्या हो रही है बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो रही है उसको हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेकिन फिलहाल के लिए क्लास इलेवेंथ में आपके ये कोर्स में नहीं है थर्ड आपको दे रखा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये जो आपने पढ़ा था ना टी की प्राइस बढ़ने पर कॉफ़ी की डिमांड बढ़ रही थी कॉफ़ी की प्राइस कम होने पर टी की डिमांड कम हो रही थी तो वो क्रॉस इलास्टिसिटी था और ये आपके चैप्टर का हिस्सा नहीं आपको सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है तो देखिए मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी प्राइस के कितने परसेंट चेंज होने पर डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया उसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इट टेल्स अर्स अबाउट परसेंटेज फॉल इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज राइज इन प्राइस एंड परसेंटेज राइज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज फॉल इन प्राइस अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या होगी बढ़ जाएगी तो कितना परसेंट प्राइस के कम होने पर कितना परसेंट डिमांड बढ़ गई और प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी तो इसका परसेंटेज को भी देखना हमारा प्राइस इलासिस डिमांड कहलाता है तो प्राइज इलास्टिस डिमांड क्या है इज़ द डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड इन रेस्पॉन्स टू अ चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कम्युनिटी अगर ये पेन है इसकी प्राइस के कम होने पर हम लोग इसकी डिमांड में कितना चेंज करेंगे और भरने पर कितना चेंज करेंगे वो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है अब मेज़रमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अब यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे देयर आर टू इंपोर्टेंट मैथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए दो मैथड हमारे दे रखे हैं पहला है आपका टोटल एक्सपेंडिचर मैथड और दूसरा है परसेंटेज चेंज इन मैथड पहले जो किताबें आती थी उनमें पहले ये होता था फिर ये होता था अब पहले टोटल एक्सपेंडिचर मैथड दे रखा है यानी खर्चा तो टोटल एक्सपेंडिचर मैथड को टोटल आउटले मैथ भी कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड था मेजर करने का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ये दिया था मार्शल जी ने इस मेथड के अनुसार वन फाइंड आउट हाउ मच एंड इन व्हाट डायरेक्शन टोटल एक्सपेंडिचर चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी यानी कि इनका कहना था कितना एक्सपेंडिचर चेंज होगा हमारा खर्चे में चेंज आएगा अगर हमारी कम्युनिटी की प्राइस चेंज होती है वो हम इन तीन सिचुएशन से पता कर सकते हैं कम्युनिटी कॉज इज नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कम्युनिटी देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिट्री अब यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिट्री का मतलब इज इक्वल टू वन यानी कि चाहे हमारी कम्युनिटी की प्राइस कम हो रही है चाहे हमारी कम्युनिटी की प्राइस बढ़ रही है उसके टोटल खर्चे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस कंडीशन को हम कहते हैं ई डी इज़ इक्वल टू वन कैसे देखो यहाँ पर सिचुएशन वन ए देखिए प्राइस पहले दो था हम चार क्वांटिटी ले रहे थे तो फोर टू जाट प्राइस वन हो गई क्वांटिटी बढ़ा दी लेकिन एट वन जाट टोटल खर्चा उतना ही हो रहा है एक्सपेंडिचर हमारा कॉन्स्टेंट है चाहे प्राइस कम हो या बढ़े इस केस में टोटल एक्सपेंडिचर के हिसाब से ये है ईडी टू वन यूनिट्री इलास्टेड सेकेंड देखते हैं सेकेंड आपसे कह रहा है इफ अ फॉल इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी कॉज अ राइज इन टोटल एक्सपेंडिचर यहां पे एक याद करने का तरीका ये है कि इस पर आपका लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है देखिए कैसे काम कर रहा है प्राइस कम हो रही है और जाहिर सी बात है प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो प्राइस के कम होने पर एक्सपेंडिचर हमारे बढ़ गए और प्राइस के बढ़ने पर एक्सपेंडिचर हमारे कम हो गए इस कंडीशन को हम कहते हैं ग्रेटर देन यूनिट्री यानी कि ई डी इज़ ग्रेटर देन वन देखिए सेकेंड सिचुएशन देखते हैं यहाँ पे प्राइस टू था और हमने कितनी क्वांटिटी ली चार फोर टू जाए एट यहाँ पे प्राइस कम हुई और हमने और एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए यानी कि दस टेन जा टेन तो आपने देखा प्राइस कम हुई तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया इस कंडीशन को हम कहते हैं ई डी ग्रेटर देन वन तीसरा देखते हैं तीसरी सिचुएशन है इसको याद करने का तरीका ये है कि यहाँ पे ये जो थर्ड कंडीशन है जहाँ पर ई डी लेस देन वन है वहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड के जस्ट अपोजिट चलता है प्राइस कम होगी तो एक्सपेंडिचर कम होगा प्राइस बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा देखिए इफ़ अ फॉल इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कॉजेज आ फॉल इन टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि प्राइस के कम होने पर एक्सपेंडिचर में भी कमी आ गई प्राइस के बढ़ने पर एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया इसको हम कहते हैं लेस देन यूनिट ट्री यहाँ पर देखी कंडीशन तीसरी कंडीशन प्राइस दो था क्वांटिटी तीन ली प्राइस एक थी क्वांटिटी और क्वाटी इस कंडीशन को हम कहते हैं ईडी लेस देन वन इनके ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे ठीक है ना अब यहां पे आपको दे रखा है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में सिचुएशन ए जो अभी हमने बात करी बताता है कि व्हेन प्राइस कितनी थी टू थी एक्सपेंडिचर टोटल आठ हुआ प्राइस एक हो गई तब भी एक्सपेंडिचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो ईडी स्कल टू वन जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है जब प्राइस टू था तो टोटल एक्सपेंडिचर आठ हुआ प्राइस वन था तो टोटल एक्सपेंडिचर टेन हुआ यानी कि यहाँ पे आपकी प्राइस के कम होने पर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और प्राइस के बढ़ने पर एक्सपेंडिचर कम हो रहा है लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है ईडी ग्रेटर देन वन और ऐसे ही हमारा थर्ड केस में ईडी लेस देन वन अब आपको याद क्या करना है कि जब ई डी ग्रेटर देन वन होता है उसको हम कहते हैं इलास्टिक डिमांड ई डी लेस देन वन होता है तो उसको हम कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड ये आपको याद रखना है बेटा नाम बहुत ज़रूरी है one, one, इस चैप्टर में इट ओनली से वेदर ईडी ग्रेटर देन वन ई डी लेस देन वन और ईडी स्कल टू वन स्कर्ल टू वन को तो आपको मालूम है यूनिटरी इलास्टिक हो गया लेकिन ग्रेटर देन वन का मतलब इलास्टिक डिमांड और लेस देन वन का इन इलास्टिक डिमांड ठीक है ना अब इसका मतलब क्या है सर देखिए ईडी ग्रेटर देन वन का मतलब है कि अगर प्राइस में चेंज आया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो डिमांड उससे ज्यादा चेंज होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे प्राइस टू था और अब कितना हो गया वन हो गया तो एक तरीके से आधा कम हो गया फिफ्टी परसेंट कम हो गया यस yes, सर तो फिफ्टी परसेंट कम हुआ तो ये क्या होगा बढ़ेगा लेकिन ये चार से कितना हो गया दस हो गया चार का दोगुना कर दूंगा तो आठ होगा और फिर उससे ज़्यादा यानी कि ये उसका हंड्रेड परसेंट से भी ज़्यादा बढ़ गया तो इसको हम कहते हैं ई डी ग्रेटर देन वन जहाँ पर प्राइस का इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ज़्यादा है डिमांड का इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और जहाँ कम होगा देखिए यहाँ टू से वन हुआ एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट है लेकिन यहाँ तीन से चार हुआ यहाँ फिफ्टी परसेंट नहीं है तो यहाँ पर यह क्या है लेस देन वन तो ई डी ग्रेटर देन वन का मतलब है जहाँ पर डिमांड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ज़्यादा चेंज हो रही है एज कम्पेरिजन टू प्राइस प्राइस कुछ कम हुई डिमांड बढ़ेगी लेकिन जितना इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज प्राइस कम हुआ है उससे ज़्यादा डिमांड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बढ़ रही है तो वो ग्रेटर दर्वन है और कम हो रही है तो लेस धर्मन है तो ये टोटल एक्सपेंडिचर को यहाँ पे कर्व के द्वारा शो किया गया है यहाँ नीचे उन्होंने एक्सपेंडिचर माना हुआ है और यहाँ नीचे प्राइस माना हुआ है इक्वल टू वन में क्या है कोई चेंज नहीं आ रहा सीधी लाइन आ रही है ग्रेटर दर्वन में यहाँ सीधा बढ़ता जा रहा है लेस दर्वन में नीचे आया लेकिन अभी नेगेटिव नहीं आ रहा है चलिए अब यहाँ पे ये कर्व जो है उसी के बारे में बात करी जा रही है कि इस फिगर में वाई एक्सेस और एक्सेस क्या है चलिए अब यहाँ पे हमें आपको बताना है एग्जाम्पल्स लेकर के प्राइस कितना था एट था क्वान्टी डिमांड कितना है सौ तो हंड्रेड इंटू एट आठ सौ नाइन्टी इंटू टेन नौ सौ प्राइस के बढ़ने पर एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया तो ये हमारा क्या है ईडी लेस वाला हंड्रेड प्राइस तो के बढ़ने पर एक्सपेंडिचर कम हो गया ईडी ग्रेटर देन वन यहाँ पे आपको आंसर भी मिल जाएंगे इन तीनों के तो ये तो पहला मेथड है आपका एक्सपेंडिचर मेथड दूसरा मेथड आता है हमारा परसेंटेज चेंज मेथड परसेंटेज चेंज मेथड इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये जो परसेंटेज चेंज मेथड है ये बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज मेथड है मेजर करने के लिए प्राइस इलास्टिसिटी इलास्टिस डिमांड इस मेथड के अनुसार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर एज द रेशन फॉर्मूला क्या है परसेंटेज परसेंटेज चेंज चेंज इन इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन प्राइस यानी कितना परसेंट हमारा क्वांटिटी डिमांड में चेंज हुआ है अपॉन कितना परसेंट हमारा प्राइस में चेंज हुआ है इसके दो अलग अलग तरीके हैं एक तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ईडी ये जो माइनस वन ये माइनस है ये फॉर्मूले में होता है यानी कि अगर आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर माइनस में आ रहा है

और डिमांड था वन इसको समझाने के लिए मैं आपको एक कॉपी ले लेता हूँ प्राइस पहले कितना था सर फोर था और डिमांड कितना था वन उसके बाद आपसे कह रहा है कि प्राइस हो गया टू पर कप इसको पी वन ले, ले लेते हैं और डिमांड जाहिर सी बात है जब प्राइस कम हुई डिमांड बड़ी होगी डिमांड कितनी हो गई फोर पर कप अब आप जरा इधर देखिए इसमें हमें परसेंटेज तो नहीं दे रखी बस आपको ये मालूम है कि ये पहले प्राइस थी अब ये बाद में प्राइस हो गई ये पहले डिमांड थी अब ये बाद में डिमांड हो गई अब इस कंडीशन में हम जब दोनों फॉर्मूले लगाएंगे जैसे पहला वाला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तो पहले हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा तो उसके लिए हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे देखिए पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालता हूँ मैं तो पहले हमारी डिमांड में कितना चेंज आया है बेटा एक से चार हो गई यानी कि तीन का चेंज आया है अपॉन डिमांड पहले कितनी थी वन इंटू हंड्रेड ये फॉर्मूला होता है कि चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड इंटू हंड्रेड यानी कि डिमांड में चेंज कितना आया है पहले डिमांड कितनी थी इन टू हंड्रेड इसको सॉल्व करोगे तो आएगा तीन सौ परसेंटेज ये तो आ गया आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अब अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा प्राइस में कितना चेंज आया सर चार से दो यानी दो का चेंज आया है पहले प्राइस कितना था चार था टू हंड्रेड फोर वन जा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस को सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा सिक्स तो मैं आपको आंसर दिखाता हूँ ईडी स्टू सिक्स ये इन्होंने कैसे किया है अभी उसको रोकेंगे मैं इसको भी समझाऊंगा लेकिन फिलहाल मैंने आपको परसेंटेज वाला बताया है देखिए कभी कभी क्वेश्चन में हमें नहीं दिया होगा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है या परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है तो आपको वो निकालना पड़ेगा कि पहले चेंज कितना आया है डिमांड में अपॉन पहले डिमांड कितनी थी इन टू हंड्रेड तो ये तो ये वाला फार्मूला है अब एक दूसरा फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो जो ये दे रखा है पी अपॉन क्यू इन टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी यहाँ पर ई डी आपको मालूम है प्राइस लास्ट से डिमांड है पी का मतलब पहले प्राइस कितनी थी यानी इनिशियल प्राइस और क्यू का मतलब पहले डिमांड कितनी थी इनिशियल डिमांड डेल्टा क्यू यानी कि डिमांड में कितना चेंज आया और डेल्टा पी यानी कि प्राइस में कितना चेंज आया अब इसी वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं इसी फॉर्मूले से मॉब्लम मैंने क्या बताया सर पी अपॉन क्यू इन टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी पहले प्राइस कितनी थी चार थी पहले डिमांड कितनी थी वन थी क्वांटिटी एंड डिमांड में कितना चेंज आया सर एक से चार हो गई तीन का प्राइस में कितना चेंज आया चार से दो हो गई दो का फोर्थ या ट्वेल्व को टू से डिवाइड करोगे तो सिक्स यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 6 आ रहा है अब यहाँ पे आपको क्या देखना है तीन चीजें होती हैं ई डीवल ई डी लेस देन वन ई डी ग्रेटर देन वन आपका आंसर सॉल्व करके आ रहा है सिक्स आ रहा है यानी आपका ed जो है वो ग्रेटर देन वन है इसको हम क्या कहते हैं इलास्टिक डिमांड अब यहाँ पर सेकेंड वाला आप कर लेंगे ईजिली नोम

पहले वाले का इफ परसेंटेज चेंज इज नॉट कंसिडर्ड कंपेरिजन ऑफ इलास्टिसिटी अक्रॉस टू गुड्स बिकम डिफिकल्ट अगर हम क्वांटिटी डिमांड को और प्राइस को परसेंटेज में नहीं लेते हैं तो दोनों का कंपैरिजन करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा जैसे यहाँ पे इलास्टेशन दे रखा है मान लीजिए हमारे पास दो गुड्स हैं चेयर्स और टेबल्स अब हमें इसका कंपैरिजन करना है प्राइस ऑफ अ चेयर इंक्रीज हुई है टेन से ट्वेंटी और डिमांड डिक्रीज हुई है फिफ्टी से ट्वेंटी फाइव बी प्राइस ऑफ टेबल डिक्रीज यहां पे पहले प्राइस ऑफ चेयर इंक्रीज हुआ है और यहां पे प्राइस ऑफ टेबल डिक्रीज हुआ है बीस से टेन हुआ तो उसकी डिमांड ट्वेंटी फिफ्टी हो गई इन केस एब्सलूट चेंज इज कंसिडर वी कैन ओनली से इन केस ऑफ डिमांड इज़ रिड्यूस टू यहाँ पे देखिए दस से बीस हो गया यानी दुगना हो गया यहाँ से देखिए पचास से पच्चीस हो गया यानी आधा हो गया यहाँ पे देख गया। यह दिख रहा है बीस से दस हो गया यानी आधा हो गया यहाँ पे दिख रहा है पच्चीस से पचास हो गया दुगना हो गया ये सिर्फ आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि इक्वेशन ईजीली है अगर यही दस की जगह पंद्रह होती अठारह होती अगर यही पचास की जगह चालीस होती तो वहां पे हमें थोड़ी दिक्कत होती इसीलिए हमको इसे अच्छे से निकालने के लिए परसेंटेज का इस्तेमाल करना पड़ता है इंस्टेंट इफ परसेंटेज चेंजेस कंसिडर वी कैन स्टेट द रिजल्ट लाइक दिस डेट वन परसेंट चेंज इन प्राइस लीड्स टू जीरो परसेंट फाइव चेंज इन डिमांड अगर हम परसेंटेज का मेथड लगाएंगे तो हम कह सकते हैं कि इतना प्रतिशत प्राइस के चेंज होने पर इतना प्रतिशत डिमांड में चेंज आएगा दिस कंपेरिजन सीम्स टू बी लॉजिकल और मीनिंगफुल

ड्यू टू नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइज एंड क्वान्टिटी द प्राइज एंड क्वान्टिटी विल ऑलवेज चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन अगर इन दोनों में रिलेशन सेम नहीं होता तो जो प्राइज और डिमांड है वो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में जाते अगर एक पॉजिटिव चेंज हो रहा है एंड अदर विल बी नेगेटिव एक पॉजिटिव है और एक क्या होता नेगेटिव इसीलिए माइनस का साइन लगाया है ताकि अगर कोई माइनस भी आता है तो उसे पॉजिटिव कर दिया जाए तो ये दो जो क्रिटिकल क्वेश्चन थे उनके आंसर्स यहां पे दिए गए हैं ठीक है ना हाउर इट इज कन्वेंगनोर माइनस टेन यानी कि जब आपका आंसर माइनस में आ रहा है तब आपको मतलब जब आपका आंसर प्लस में आ रहा है तब आपको माइनस के साइन की जरूरत है ही नहीं है ना दिस इज बिकॉज इन द कंटेस्ट ऑफ इलास द माइनस साइन जस्ट इंडिकेट द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइज एंड क्वान्टिटी वो माइनस का साइन सिर्फ इसलिए है ताकि बताने के लिए उनके बीच में कि एक नेगेटिव रिलेशन है टू अवॉयड दिस कन्फ्यूजन उन्होंने वहाँ पे माइनस साइन लगाया गया है तो अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो आपको वहाँ पर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है जैसे कि यहाँ पे माइनस पांच है तो माइनस से माइनस कट गया ताकि आंसर हमारा पॉजिटिव में आए

आज की वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में हम करेंगे स्लोप ऑफ डिमांड कर्व से वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा शेयर जरूर करेगा और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू सो मच लव यू ऑल